हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक डाटा टाइप्स कि डाटा जो है कितने टाइप्स के होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यानी कि डाटा निरूपण किसे कहते हैं। तो हम जो भी डाटा जो या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या फिर कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं या फिर कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो हमें अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में रिसीव होता है। इसे पहले क्या करते हैं, इन निर्देशों को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेसर को ही हम डेटा निरूपण या फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे बेसिक डाटा टाइप्स की डाटा हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। आइए जानते हैं कि डाटा हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हम जिस प्रकार के डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं वह अपने स्वरूप और उपयोग के अनुसार कई प्रकार का हो सकता है। डेटा को हम मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटते हैं। पहला होता है संख्यात्मक जिसे न्यूमेरिक कहते हैं, दूसरा होता है अक्षरात्मक जिसे हम अल्फाबेटिक कहते हैं, तीसरा होता है वर्णात्मक जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। तो संख्यात्मक किसे कहते हैं, जिसमें हमारे 1, 2, 3, 4 नंबर्स आते हैं। अक्षरात्मक किसे कहते हैं, जिसमें हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है यानी कि ABCD जो हमारे होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, अक्षरात्मक कहते हैं। और वर्णात्मक क्या होता है, वर्णात्मक ऐसे वो होते हैं जिसमें अक्षर और अंक यानी कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिक्स होते हैं, जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं, वो हमारे वर्णात्मक में आते हैं। ये था हमारे डाटा टाइप जो तीन टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारे सिर्फ नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स में हमारे A to Z होते हैं और वर्णात्मक यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक में A to Z और 0 to 9 दोनों होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूज़फुल और नॉलेजेबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।